Right, friends, now we are taking now second part of this, you know, application of PV ratio in marginal costing. Okay, so aap page number 5.8 se continue kariye. Page number 5.8, application of PV ratio in marginal costing. Application of PV ratio in marginal costing. Sabse pehle maine aapko define kiya hai meaning of PV ratio. Meaning of PV ratio. It is a relationship between contribution to sales. It is a relationship between contribution to sales. Mathematically, क्या हो जाएगा? PV ratio equal to contribution divided by sales into 100. Contribution divided by sales into 100 equal to आपका क्या हो जाएगा? Is a PV ratio. What is PV ratio? It is the relationship between contribution on sales. Contribution to sales. जैसे अपन नहीं करते थे financial accounting में GP ratio. What is GP ratio? It is the relationship between gross profit and sales. यहाँ पे क्या हो जाएगा? PV ratio means it is the relationship between contribution to sales. It is the relationship between contribution to sales. It is the relationship between contribution to sales. जैसे suppose you take example one. Example number one. आपका page number 5.8 पे आप देखिए friends. Suppose अगर मैं आपको बोलता हूँ कि my selling price per unit is 25,000. Same example. And my variable price per unit is 5,000. तो मुझे contribution क्या मिलेगा? My contribution will be 20,000. 20,000, right? So what is the PV ratio? PV ratio is a relationship between, this is your PV ratio. PV ratio is a relationship between contribution to sales. Contribution 20,000, sale 25,000 into 100, and this comes to 20 by 25 comes to 80%. 80% आपका क्या हो जाएगा? PV ratio. अगर ये 80% है तो ये आपका क्या रहेगा? हमेशा 20%, ये आपका 80%, ये हमेशा आपका क्या रहेगा? 100 के. अगर मैं आपको बोलता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट इज 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, इसका मतलब आपका कंट्रीब्यूशन होगा 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस. अगर मैं आपको बोलता हूं कंट्रीब्यूशन इज 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट रहेगा 20% ऑफ सेलिंग प्राइस. यही चीजें आगे जाके आपको बहुत काम आएंगी, राइट? अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट मुझे चाहिए, यहां पे आएगा ब्रेक इवन इन रुपीस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट. सपोज माय फिक्स कॉस्ट इज रुपीस 2 लाख. बीपी में आपका प्रॉफिट क्या रहेगा? 0. कंट्रीब्यूशन आपका क्या रहेगा? इज 2 लाख. एंड आपका पीवी रेशियो है 80%. इट मींस 2 लाख 80 एंड 100. इट मींस 2 लाख डिवाइडेड बाय 0.8. 2,50,000 का अगर आपका सेल हुआ तो यू विल गेट नो प्रॉफिट नो लॉस. आपको नो प्रॉफिट नो लॉस मिलेगा. अगर आपका 2,50,000 का अगर आपका सेल है तो आपको क्या आएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस. सही है, सुनो. 2,50,000 का अगर आपका सेल है तो आपको क्या आएगा? बोलो. नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. ये आपका है. अगर आपको वेरीफाई करना है, इट मीन दिस इज योर वेरिफिकेशन, योर बीपी सेल्स इज 2,50,000 डिवाइडेड टू वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड टू फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट. दिस इज योर 80% ऑफ 2,50,000 इज 2 लाख. योर फिक्स कॉस्ट इज 2 लाख. प्रॉफिट इज 0. This is 20% of 2,50,000 is 50,000. ये 2 लाख, ये 2 लाख, ये प्रॉफिट इज 0.
सही आंसर होगा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि नहीं, सपोज आई वॉन्ट ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज से 2 लाख रुपीज, आई वॉन्ट ए प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, कितने का प्रॉफिट चाहिए, सपोज से रुपीज 2 लाख, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट मीन्स दिस इज योर, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आई वॉन्ट ए प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपीज, इट मीन्स एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट यू डिवाइड इन टू, एक आपका वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड इन टू इज ए फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 0, 2 लाख रुपीज, आई वॉन्ट ए प्रॉफिट, आई वॉन्ट 2 1, इट मीन्स माय कॉन्ट्रीब्यूशन इज 4 लाख, 4 लाख विच इज 80%, इट मीन्स 4 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू, मेरा जो सेल होगा वो कितने का होगा, मेरा सेल होगा 5 लाख रुपीज, ओके। एंड देन अगर आपको यूज करना है 5 लाख में, आपका बीपी कहां पे आ रहा था, 250 में, मैंने आपको क्या बताया था, सेल्स, सेल्स के दो पार्ट होते हैं, एक बीपी और एक एमओएस। अगर आपका टोटल 5 लाख का सेल है, उसमें से आपका बीपी आया था 2,50,000 पे, इसका मतलब आपका एमओएस भी कहां पे आएगा, 2,50,000, ओके। यू कैन वेरीफाई चार्ट टू ऑल्सो, दिस इज योर चार्ट टू, चार्ट टू कब यूज होगा बोलो, चार्ट टू कब यूज होगा, जब आपके पास एमओएस सेल्स भी रहेगा, इसका मतलब एक्सपेक्टेड सेल्स, एक्सपेक्टेड सेल्स यू डिवाइड इन टू, वन इज योर बीपी, वन इज योर एमओएस, राइट, बीपी डिवाइड इन टू वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, सही है सर, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स 5 लाख, बीपी सेल्स 250, एमओएस सेल्स 250, वेरिएबल कॉस्ट 20% ऑफ 250 इज 50,000, 80% ऑफ 250 इज 2 लाख, फिक्स कॉस्ट 2 लाख, प्रॉफिट इज 0, 250, 20% ऑफ 250 इज 50,000, कॉन्ट्रीब्यूशन 80% ऑफ 250 इज 2 लाख, फिक्स कॉस्ट 0 एंड प्रॉफिट इज, अगर आपको एमओएस दे रखा है तो आपको चार्ट 2 लगाना है, और अगर आपको एमओएस नहीं दे रखा है तो यू कैन यूज चार्ट 1। एक्सपेक्टेड सेल्स, एक्सपेक्टेड सेल्स आपका जो है, दिस इज योर एक्सपेक्टेड सेल्स डिवाइड इन टू योर बीपी सेल्स एंड एमओएस सेल्स, बीपी सेल्स डिवाइड इन टू वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड इन टू फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, सही है सर, एंड दिस इज क्लियर। और एक आपको रहेगा फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं, दिस इज योर, आपने सुना होगा पीवी रेशो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100 भी अगर आप करेंगे तो भी आपको क्या आएगा, पीवी रेशो, लेकिन दिस इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, इट मींस सब्जेक्ट टू
verification, subject to verification. It means दोनों पीरियड के अंदर आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या आना चाहिए, सेम. देखो जरा, पहला आप एग्जाम्पल ले लो, जिससे जो ज्यादा आपको क्लियर होगा. एग्जाम्पल नंबर 3, दिस इज योर ईयर 1 एंड दिस इज योर ईयर 2. आपको सेल्स दे रखा है, सपोज 5 लाख का, और सेल आपको दे रखा है 10 लाख का. वेरिएबल कॉस्ट 2,50,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख. योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 250 एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज 5 लाख लेस फिक्स्ड कॉस्ट इज 1 लाख एंड फिक्स कॉस्ट इज 1 लाख. दिस इज योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 150, या इसको अपन प्रॉफिट भी बोल सकते हैं. एंड सही है सर, ये आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है. दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 3. क्या आपको दे रखा है, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 3, ईयर 1 एंड ईयर 2, सेल्स 5 लाख, 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 250, 5 लाख, कॉन्ट्रीब्यूशन 250, 5 लाख, फिक्स कॉस्ट 1 लाख, 1 लाख, एंड प्रॉफिट आपका क्या दे रखा है, 1,50,000 एंड 4 लाख. अब ऐसे देखने जाएंगे तो व्हाट इज पीवी रेशियो, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5 इज 50%. ऐसे देखने जाएंगे तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख आपका क्या है, पीवी रेशियो. लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि सपोज मैं आपको ये फिगर नहीं देता हूं, कुछ भी ये फिगर मैं आपको कुछ भी नहीं देता हूं, ये फिगर मैं आपको नहीं देता हूं, बराबर. दिस इज योर चेंज इन सेल्स एंड दिस इज योर चेंज इन प्रॉफिट. चेंज इन प्रॉफिट कितना है, 2,50,000 एंड योर चेंज इन सेल्स कितना है, इज ए 5 लाख इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 50%. चेंज इन प्रॉफिट, अगर आपको दो पीरियड का चेंज इन प्रॉफिट है, 150 एंड 4 लाख, आपका कितना हो गया, 2,50,000. और चेंज इन सेल्स है 5 लाख एंड 10 लाख, 5,50,000. लेकिन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन मीन्स व्हाट, कि दोनों पीरियड में आपका फिक्स कॉस्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. दोनों पीरियड में आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या आना चाहिए, सेम. इट मीन्स योर वेरिफिकेशन, दिस इज वेरिफिकेशन ईयर वन में आपको सेल कितना दे रखा है, 5 लाख. योर सेल्स 5 लाख डिवाइडेड टू वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट. दिस इज 50% ऑफ 5 लाख इज 2,50,000. आपका प्रॉफिट था 150. बैलेंसिंग फिगर विल बी योर फिक्स कॉस्ट. ओके, यही फिक्स कॉस्ट आपको सेकेंड पीरियड में भी आना चाहिए. इट मीन्स सेल्स ईयर 2, व्हाट योर सेल्स, योर सेल्स इज सपोज रुपीज 10 लाख. उसके दो पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन. पीवी रेशियो बोल रहा है 50% ऑफ 10 लाख इज 5 लाख. 5 लाख के दो पार्ट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट. योर प्रॉफिट इज 4 लाख रुपीज
इट मीन्स योर फिक्स कॉस्ट इज बैलेंसिंग फिगर 1 लाख। तो चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल्स भी हो सकता है, लेकिन दिस इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। आपका वेरिफिकेशन होके आना चाहिए, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन अगर आप करते हैं तो आपका ये करेक्ट हो सकता है। सही है सुनो, ओके। अगर आप देखिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 5.11, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 5.11 रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 5.11। फ्रॉम द अंडर मेंशनड फिगर कैलकुलेट पीवी रेशियो एंड टोटल फिक्स एक्सपेंसेस। आपको पीवी रेशियो निकालना है, टोटल फिक्स एक्सपेंस निकालना है। सेकंड, प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ 12,000, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 2,000, सेल्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन पॉइंट। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, आपको प्रॉफिट दे रखा है, आपको सेल्स दे रखा है। मैंने आपको क्या बताया था, क्या रहेगा, इट मीन्स पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। व्हाट इज द चेंज इन प्रॉफिट, 1139 माइनस 385, 1139 माइनस 385 डिवाइडेड बाय 18203 माइनस 14433 इनटू 100। इट मींस 1139 माइनस 385 इज 754 डिवाइडेड बाय 18203 माइनस 14433 इज 3770 इनटू 100 विल बी योर पीवी रेशियो। इट मींस 754 divided by 3770 into 100 and this comes to 20%। इसका मतलब आपका जो पीवी रेशियो है, दिस इज योर आंसर नंबर, आंसर नंबर 1 एंड पार्ट 1, आपका जो पीवी रेशियो है 20% है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कि दोनों पीरियड के अंदर आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या आना चाहिए, सेम। सो दिस इज योर आंसर नंबर, आंसर नंबर 1 एंड पार्ट टू, आंसर नंबर 1 पार्ट 2। इट मीन्स योर सेल्स, सेल्स, सेल्स फर्स्ट पीरियड, दिस इज योर फर्स्ट, फर्स्ट पीरियड का सेल, सेल कितना दे रखा है, इज 14433 डिवाइडिंग टू वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइडिंग टू फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, एंड दिस इज योर सेल्स, सेल्स आपको क्या दे रखा है, 18203 डिवाइडिंग टू वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइडिंग टू योर फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ओके। दिस इज योर 20% ऑफ 14433 इंटू 20% इज 2886.6 लेस 385, लेस 385 इज 2501.6, और यू कैन से 2501 ऑल्सो, राइट, यू कैन से 2501 ऑल्सो, ओके। देन सेल्स 2501.6 सेल्स, दिस इज 20% ऑफ 18203। इट मीन्स 18203 का 20% इज 3640.6 लेस, आपका प्रॉफिट आपको दे रखा है, प्रॉफिट इज 1139 लेस 1139 इज 2501.6 और यू कैन से 2501, फिक्स कॉस्ट आपका हो जाएगा 2501। सही आंसर है 2501। सेकेंड क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ 12,000। अगर आपका 12,000 का सेल है तो व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस, तो वी आर एज्यूमिंग हियर द फिक्स कॉस्ट इज 2501, फिक्स कॉस्ट अपना है 2501, यू कैन टेक 2502 ऑल्सो करके ना, 2501। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, सेकेंड,
सेकेंड में वो लोग क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि सेकेंड आंसर में क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस एलआईजी, इट मींस योर एक्सपेक्टेड सेल्स. व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सेल्स इज 12,000, उसके दो पार्ट वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के दो पार्ट फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट. सही है सर, दिस इज 20% ऑफ 12,000 इज 2,400 एंड योर फिक्स कॉस्ट इज 2501, तो आपको लॉस हो जाएगा 101 का. आपका एक्सपेक्टेड सेल्स कितना है 12,000, वेरिएबल को कंट्रीब्यूशन 20% ऑफ 12,000 एंड उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस किया आपका क्या आ जाएगा. जी सही है, सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हो. देन अभी आप आ जाइए फ्रेंड्स थर्ड, सेल्स रिक्वायर टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ, सेल्स रिक्वायर टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 2000, इट मींस एक्सपेक्टेड सेल्स, सेल्स रिक्वायर टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 2000, एक्सपेक्टेड सेल्स, दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड टू योर फिक्स कॉस्ट एंड एंड प्रॉफिट. व्हाट इज द प्रॉफिट, ओके व्हाट इज द प्रॉफिट, सेल्स रिक्वायर टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 2000, ये आपका फिक्स कॉस्ट 2501 मिलके हो जाएगा 4501 एंड विच इज 20%, इट मीन्स 4501 डिवाइडेड बाई 20 into 100, 4501 डिवाइडेड बाई 0.2 एंड दिस कम्स टू 22505. देन आपसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, फोर्थ, सेल्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन, दिस इज योर नेक्स्ट इज ए फोर्थ पार्ट इज बीपी सेल्स डिवाइडेड टू इज ए वेरिएबल कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड टू योर फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट. व्हाट इज योर प्रॉफिट इज ए जीरो, व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट इज 2501, कॉन्ट्रीब्यूशन 2501 एंड विच इज 20%, सो 2501 डिवाइडेड बाई 20 into 100 इज 2501 divided by 0.2 and this comes to 12,505. जैसे break-even point is 12,505. कभी कभी students बहुत बड़ा mistake करते हैं, जल्दी जल्दी में question को बराबर से read नहीं करते, बाद में exam hall के बाहर निकल के बोलते हैं आइला ये क्या हो गया करके ना, तो please आप जरा देखिए, बहुत ध्यान से ये जरा देखिए. इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिक्स पेज नंबर 5.13, द फॉलोइंग फिगर रिलेट टू ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ए वेराइट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ए वेराइट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, पीरियड वन, पीरियड टू, टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट. अब यहाँ पे जल्दी जल्दी में बच्चे को क्या लगेगा, ये टोटल प्रॉफिट है, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट अपन को निकालना पड़ेगा. ओके ये ध्यान रखना, पीरियड, दिस इज योर पीरियड, दिस इज योर सेल्स, दिस इज योर कॉस्ट एंड दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस. इट मीन्स पीरियड वन, इट मीन्स पीरियड टू, सेल्स 3900, 4300, 3480 एंड 3760. आपका प्रॉफिट आ जाएगा, इट मीन्स 3900 लेस 3480 इज 420, 4300 लेस 3760 इज 540. सो योर पीवी रेशो, आप समझे क्या मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, जल्दी जल्दी में
एग्जाम हॉल में उसको इतनी घाई रहती है, वो पढ़ता ही नहीं है कि ये कॉस्ट दे रखा है घर के। यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, वो प्रॉफिट निकालता नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व कर देता है। इसके लिए मैंने ये रखा है, इट मीन्स 540 - 420 - 4300 - 3900 × 100। इट मीन्स 540 - 420 = 120 एंड 4300 - 3900 = 400 × 100 एंड दिस कम्स टू 30%। 30% आपका पीवी रेशो है। दिस विल बी योर आंसर नंबर ए एंड देन यू गो टू आंसर नंबर बी। टोटल फिक्स एक्सपेंस मैंने आपको क्या बताया, दोनों पीरियड का फिक्स एक्सपेंस क्या होना चाहिए, सेम। इट मीन्स दिस इज योर पीरियड वन एंड पीरियड टू, आपको निकालना है फिक्स एक्सपेंस बी पार्ट, आंसर बी। दिस इज योर सेल्स, व्हाट इज योर सेल्स इज 3900 / 2, वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। दिस इज योर सेल्स, सेल्स आपका 4300 इज वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन इज फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। व्हाट योर पीवी रेशियो, पीवी रेशियो इज 30%। इट मीन्स 30% ऑफ 3900, 30% ऑफ 4300, 900 × 0.3 = 1170 और व्हाट योर प्रॉफिट, योर प्रॉफिट इज 420। सो द बैलेंसिंग फिगर, इट मीन्स 1170 - 420 विल बी 750 इज योर फिक्स कॉस्ट। यही सेवन फिक्स कॉस्ट 750 यहाँ पे भी आना चाहिए। इट मीन्स 4300 × 30% = 1290 एंड प्रॉफिट इज 540। प्रॉफिट इज 540 लेस 540 इज 750 इज ए फिक्स कॉस्ट। 750 इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। सही है सुनो फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट था। बच्चे लोग ये ध्यान नहीं देते कि ये कॉस्ट है, उनको क्या लगता है जल्दी एग्जाम प्रेशर में, जल्दी जल्दी में उनको क्या लगने लगता है कि ये प्रॉफिट है, एग्जाम प्रेशर में उनको क्या लगने लगता है कि ये प्रॉफिट है, तो डायरेक्टली वो उसी को इसको ही चेंज करके पीवी रेशियो निकालते हैं। जबकि पीवी रेशियो क्या है, पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा। तो चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल्स आपका क्या आ जाएगा, इज ए पीवी रेशियो। पीवी रेशियो से आपका सेल्स, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। सही है चलो। ब्रेक इवन सेल्स, अब आपको चाहिए ब्रेक इवन सेल्स। इट मीन्स दिस इज योर सी, सी इज ए बी पी सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट 0, फिक्स कॉस्ट 750, कॉन्ट्रीब्यूशन 750 एंड विच इज 750 एंड विच इज 30%। इट मीन्स 30%, 750 इज 30%, व्हाट इज 100%, 750 / 0.3 = 2500। आपका सेल कितना हो जाएगा, 2500। डी प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ 4000। इट मीन्स डी योर एक्सपेक्टेड सेल्स इज 4000 / वेरिएबल कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड टू फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 30% ऑफ 4000, दिस कम्स टू 30% ऑफ 4000 कम्स टू 1200। 750 इज ए फिक्स कॉस्ट,
1200 माइनस 750 आपको प्रॉफिट आ जाएगा 450। सेल्स ऑफ 4300 आपको प्रॉफिट आ जाएगा 450। सही आंसर होगा। देन यू गो सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 750। इट मीन्स दिस इज योर आंसर नंबर ई, एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट डिवाइडिंग टू योर वेरिएबल कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडिंग टू योर फिक्स कॉस्ट एंड योर प्रॉफिट। You want a profit of 750, your fixed cost is 750, मिलके हो जाएगा 1500, which is 30%. 1500, 30%, 100, it means 1500 divided by 0.3 is 5000 rupees, सही आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स एग्जैक्टली सेम है, मैंने सॉल्व करके भी आपको दिया हुआ है 5.14 पे, प्लीज आप ट्राई करना, वही है चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स वाला, और मैंने सॉल्व करके भी दिया हुआ है, तो बींग ए पार्ट ऑफ क्रैश कोर्स इतना मेरे को नहीं लगता है कि कराना चाहिए करके। सही आंसर होता है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है कि समटाइम्स व्हाट हैपन, आप लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड, आप देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड कॉमन ओवरऑल बेसिस ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये आप दूसरे टाइप के बीईपी में मैं आपको लेके देता हूँ, कंबाइंड है, कॉमन है, ओवरऑल बेसिस है, ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे सपोज अपना ये डीकेसी का क्लास है, बराबर डीकेसी का क्लास है, एंड डीकेसी का क्लास में आपके पास सपोज तीन प्रोडक्ट है, दिस इज योर फाउंडेशन, दिस इज योर इंटर एंड दिस इज योर फाइनल। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वहां पे क्या होता था, वन फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्ट इज वन। नाउ मेरा रेंट तो एक ही है, मेरा जो रूम है क्लासरूम है वो मेरा रेंट एक ही है, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट है, फाउंडेशन है, इंटर है, फाइनल है। तो अब मुझे ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, मतलब तीनों को कंसिडर करते हुए ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड कॉमा कॉमन कॉमा ओवरऑल बेसिस ब्रेक इवन पॉइंट। उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, कंबाइंड कॉमा कॉमन कॉमा ओवरऑल बेसिस ब्रेक इवन पॉइंट, कंबाइंड कॉमा कॉमन कॉमन कॉमा। ओके, तो या तो इसमें क्या रहेगा कि फिक्स कॉस्ट वन रहेगा, प्रोडक्ट मोर देन वन रहेंगे, या फिर वो क्वेश्चन में आपको बोलेगा या तो आपका फिक्स कॉस्ट वन है, रेंट आपका फिक्स कॉस्ट वन है, लेकिन प्रोडक्ट्स आपके मोर देन वन है। ओके, देखिए जरा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 5.16, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 5.16। देखिए जरा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 5.16, कलकत्ता कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स फोर प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ एस यूटिलिटी लग्जरी एंड सुप्रीम, द सेल्स मिक्स इन वैल्यू कंप्राइजेस इज ब्रांड एस का 33⅓, यूटिलिटी 41.23%, लग्जरी 16⅔% एंड सुप्रीम 8.33%। द टोटल बजटेड सेल्स 100% 6 लाख पर एन मंथ, ऑपरेटिंग कॉस्ट ब्रैकेट में आप लिख लो वेरिएबल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट, एस के लिए 60%, यूटिलिटी के लिए 68%, लग्जरी के लिए 80% एंड सुप्रीम के लिए आपको दे रखा है 40%। एंड सुप्रीम के लिए आपको क्या दे रखा है फ्रेंड्स, सुप्रीम के लिए आपको दे रखा है 40%। द फिक्स कॉस्ट इज 1,50,000 पर मंथ, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट ऑन
ओवरऑल बेसिस मींस पूरी कंपनी एज ए होल उसका ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा, कैसे करेंगे फ्रेंड्स? तो इसमें अपन को कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा कॉमन ओवरऑल बेसिस. इट मींस दिस इज योर बीईपी. इट मींस आपको दे रखा है सेल्स, सेल्स सारे प्रोडक्ट का दे रखा है फ्रेंड्स. एस लग्जरी सुप्रीम, एस यूटिलिटी, एस यूटिलिटी लग्जरी सुप्रीम, वेरिएबल कॉस्ट एस यूटिलिटी लग्जरी सुप्रीम. ये आपके पास क्या जाएगा कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन एस 33 1/3 ऑफ टोटल सेल्स 6 lakhs. Then 41 2/3 of 6 lakhs. Then 16 2/3% of 6 lakhs and 8 1/3% of 6 lakhs divided by 3 is 2 lakhs. Then 6 lakhs into 41.2 lakh 50,000. 6 lakhs 16 point is 1 lakh and 6 lakhs 8 point is 50,000. 200, 250, 150 is 6 lakhs. सही आंसर फ्रेंड्स. ये आपका क्या हो गया सेल्स, सेल्स आपका 2 lakh 250,000 1 lakh. Now what is the variable cost? Variable cost आपको दे रखा है 60%, then 68%, 80%, 40% of 2 lakhs, of 2 lakh 50, of 1 lakh, of 50,000. Variable cost, it means 1 lakh 20, 250 into 0.68, 170, then 80,000 and 20,000. 120, 170, 80 and 20 is 3 lakh 90,000. 600 less 390 is combined contribution आपका आ जाएगा 2 lakh 10,000. combined आपका contribution आ जाएगा 2 lakh 10,000. सही है सुनो friends. देखो ये BEP अपन को निकालना है. sales अपने को दे रखा है AS, utility, luxury and supreme. total combined sales है आपका 6 lakhs. 6 lakhs का 33 1/3 इसमें जाता है, 41 इसमें, 16 इसमें. तो आपका सेल्स निकल के आ गया ये. उसका वेरिएबल कॉस्ट अपन ने निकाला पहले, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका कंबाइंड कंट्रीब्यूशन. ओके, पहले कंबाइंड पीवी रेशियो अपन निकाल लेंगे. दिस इज योर कंबाइंड पीवी रेशियो विल बी योर 2 lakh 10,000 इज ए कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 6 lakhs इज ए सेल into 100. It means
210 divided by 600 in 200, and this comes to 35%. 35% आपका बीईपी आ जाएगा, बीईपी आ जाएगा इज ए वेरिएबल कॉस्ट एंड योर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड टू योर फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट इज निल. योर फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज 159, इसे योर 159, कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा 159 विच इज 35%. तो 159 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100, सो 159 डिवाइडेड बाई 35% एंड दिस कम 454,286 का अगर आपका सेल है तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस मिलेगा. 454,286 ये हमारा पहले हम लोगों ने कंबाइंड पीवी रेशो निकाल लिया. व्हाट इज कंबाइंड पीवी रेशो? पीवी रेशो इज ए रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स. आपका कंट्रीब्यूशन, कंबाइंड कंट्रीब्यूशन कितना है? 210. कंबाइंड सेल्स कितना है? 6 लाख. कंबाइंड कंट्रीब्यूशन सीसी 210,000 और सेल्स कंबाइंड पीवी रेशो, कंबाइंड पीवी रेशो से हम लोगों ने बीईपी निकाला. बीईपी डिवाइडेड टू वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट. प्रॉफिट जीरो रहेगा, फिक्स कॉस्ट 159, तो कंट्रीब्यूशन 159 विच इज 35% वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड. सही है सोना फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हो? ओके, बी पार्ट एकदम सिंपल है. इट हैज बीन प्रपोज टू चेंज द सेल्स मिक्स एज फॉलोज. बोलता है सेल्स मिक्स को चेंज करो. पहले ये जो सेल्स मिक्स था वो सेल्स मिक्स इसको नहीं चाहिए, उसको चेंज करने को बोल रहा है. एस 25%, यूटिलिटी 40%, लग्जरी 30% एंड दिस इज 5%. बराबर, ये आपका सेल हो जाएगा. और इट हैज बीन प्रपोज टू चेंज द सेल्स मिक्स. द टोटल सेल्स पर मंथ इज 6 लाख, रिमेनिंग 6 लाख ही रहने वाला है. सेल्स मिक्स चेंज करो. वेरिएबल कॉस्ट आपका परसेंटेज सेम रहेगा इन द रेशियो ऑफ सेल्स, क्योंकि अगर आपका सेल्स का मिक्स चेंज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज पर कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं. तो दिस विल बी योर बी पार्ट. ये आपका हो जाएगा बी पार्ट. इट मीन्स रिवाइज सेल्स, रिवाइज सेल्स इज एस लग्जरी एस एस यूटिलिटी लग्जरी एंड सुप्रीम. 6 लाख का 25%, 1,50,000. 6 लाख का 40%, 2,40,000. 6 लाख का 30%, 1,80,000 एंड 6 लाख का 5% is 30. 150, 240, 180 and 30 is 6 lakhs. Whatever. Variable cost is utility, luxury and supreme. What is the variable cost? 60%. What is the variable cost? 68%. What is the variable cost? 80% and 40% of 1,50,000, 2,40,000, 1,80,000 and 30,000. ये आपका variable cost, ये आपका combined contribution. It means 90,000,
240 का 68% 163, 200 180 का 80% is 144 and 30,000 का 40% is 12,000. 90 plus 163.2 204 6 lakhs is 190,800. So combined contribution, it means PV ratio aapka ho jayega is 190,800 divided by 6 lakhs ka sales into 100. It means 190,800 divided by 6 lakhs into 100 comes to 31.8% आपको कंबाइंड पीवी रेशो आ जाएगा. यहां तक क्लियर हुआ? 31.8% से आपका क्या आ जाएगा बोलो? इट इज ए कंबाइंड कंट्रीब्यूशन. आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? कंबाइंड कंट्रीब्यूशन. ठीक है, इट मींस योर ब्रेक इवन पॉइंट ऑन ओवरऑल बेसिस विल बी योर variable cost, your contribution, your fixed cost and profit. बराबर. What is the 31.8%? 31.8% profit zero and fixed cost is 159,000. So this comes to 159,000 divided by 31.8 into 100. 159 divided by 31.8 into 100 and this comes to 5 lakhs. Kya ho jayega? 5 lakhs. सेकेंड पार्ट, राइट? अब इसी के ऊपर अगर अपन देखते हैं कि कुछ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस अगर अपन देखते हैं तो वो भी कवर अप अपन कर सकते हैं. डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस, जैसे यू टेक द एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 एंड पेज नंबर 5.18. अनुराधा एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चर सेल्स ऑफ ब्लैक फिनाइल वर्थ 20,000, व्हाइट 25,000, 10,000 एंड एथिलीन बॉल 5,000 एवरी मंथ. द फर्म टोटल फिक्स कॉस्ट पर मंथ इज 14,700. वेरिएबल कॉस्ट आर बीपी के लिए 60% है, डब्ल्यूपी के लिए 68% है, एसपी के लिए 80% है और एनबी के लिए 40% है. द प्रोप्राइटर्स मिस अनुराधा शाह being basically is a science graduate wonders at what combined sales volume does she really start earning profit. इसका मतलब वो profit कब start कर सकती है कमाना. इसका मतलब she can start profit कभी after the BEP sales. आपको क्या निकालना पड़ेगा? is a break even point sales. आपको क्या निकालना पड़ेगा बोलो? is a break even point sales. क्या क्या दे रखा है? it means this is your sales. Anuradha Enterprises manufactures sales BP 20,000, then WP 25,000, SP 10,000 and NV 5,000.
ओके, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन. वेरिएबल कॉस्ट बीपी डब्ल्यूपी एसपी एनबी 20,000 25,000 10,000 5,000. What is the variable cost is 60, 68, 60, 68, 80, 40. $12,000, $15,000, $8,000, $2,000. It means 12 + 15 + 8 + 2 = 12 + 25 × 68%. This is 17. It means 12 + 17 + 8 + 2 = 39,000. So combined contribution will be 60 - 39 = 21. So combined PV ratio will be 21/60×100. 21/60×100, and this comes to 35%. And 35, so you can find out the combined sales. BP divided into variable cost and contribution divided into your fixed cost and your profit. Profit is zero. Fixed cost is, how much is the fixed cost? $14,700. तो अपना contribution होना चाहिए 14,700, and which is 35%. So 35%, it means 14,700/35×100. This is 14,700/0.35 = 42,000. After the sale of 42,000, she can start to earn the profit. After the sale of 42,000, she can start to earn the profit. Say yes or no. This is a decision making type of question. When she can start to earn the profit? She can start to earn the profit after the sale of 42,000. Say yes or no. After the sale of 42,000. ओके, और एक आप जरा देख लीजिए फ्रेंड्स. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10 एंड पेज नंबर 5.19. क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 5.19. द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एंड सेल्स डाटा ऑफ ए मैन्युफैक्चरर सेलिंग थ्री प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड. कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करता है फ्रेंड्स? द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एंड सेल्स डाटा of a manufacturer selling three products x y and z. Product hai apne paas x y z, selling price hai, variable cost hai, percent of rupee sales volume. 20% goes to x, 40% goes to y and 40% goes to z. Capacity of manufacturer is 15 lakhs of the total sales volume. Annual fixed cost will be 30,000. Find out the
ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे उसने बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपने को उसने बोला नहीं है, लेकिन अपने को करना कंबाइन नहीं पड़ेगा, बिकॉज फिक्स कॉस्ट अपना वन है एंड प्रोडक्ट्स आर मोर देन वन है। फिक्स कॉस्ट अपना वन है बट द प्रोडक्ट्स आर मोर देन वन है। क्या करेंगे फ्रेंड्स, इट मीन्स दिस इज योर सेल्स, प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड, टोटल सेल्स 15 लैक्स, टोटल सेल्स 15 लैक्स, टोटल सेल्स 15 लैक्स, 20%, 40% एंड 40% इज 3 लैक्स, 6 लैक्स एंड 6 लैक्स इज 15 लैक्स, डिवाइडेड टू वेरिएबल कॉस्ट एंड कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट एक्स, वेरिएबल कॉस्ट वाई, वेरिएबल कॉस्ट जेड। 3 लाख का सेल, 6 लाख का सेल्स एंड 6 लाख का सेल्स। 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या है, 4, 5 एंड 8, और मल्टीपल तो अपने को यूनिट्स आ जाएंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है, सेल्स दे रखा है, यूनिट्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, 4 एंड 6, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। इट मीन्स 3 लैक्स डिवाइडेड बाय 4 × 3 इज 2,25,000, 6 लैक्स डिवाइडेड बाय 5 × 4 इज 4,80,000, then 6 lakhs divided by 8 × 6 is 4,50,000। आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 225,480 + 450 is 11,55,000 minus 15 lakhs is 3,45,000। आपका क्या हो जाएगा, कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन आपका क्या हो जाएगा, 3,45,000। सही है सर, यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मींस फिक्स कॉस्ट आपका वन है एंड प्रोडक्ट्स आर मोर देन वन। प्रोडक्ट्स आपके पास है एक्स वाई एंड जेड, प्रोडक्ट्स है आपके पास एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड, और 20% गोज टू एक्स, 40% वाई, 40% जेड। ये आपका सेल्स आ जाएगा, उसमें से ये वेरिएबल कॉस्ट माइन करो, ये कंबाइंड कंट्रीब्यूशन। कंबाइंड कंट्रीब्यूशन से अपने को क्या आ जाएगा, कंबाइंड पीवी रेशियो। व्हाट इज योर कंबाइंड पीवी रेशियो विल बी 3,45,000 डिवाइडेड बाय 3,45,000। व्हाट इज पीवी रेशियो, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड 3,45,000 डिवाइडेड बाय 15 लैक्स इंटू 100, 3,45,000 डिवाइडेड बाय 1,500 इंटू 100 एंड कम्स टू 23%। सो बीपी विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट इज जीरो, फिक्स कॉस्ट इज 2,30,000, कंट्रीब्यूशन आपका आएगा 2,30,000 विच इज 23% इज 2,30,000 × 100 बाय 23, इट मीन्स 2,30,000 डिवाइडेड बाय 0.23 एंड दिस कम्स टू सेल ऑफ रुपीज 10 लैक्स। आपका कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, दिस इज योर आंसर नंबर वन। आंसर नंबर वन आपका कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, और आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज हो जाएगा रुपीज 10 लैक्स। आंसर नंबर वन इज 10 लैक्स कंबाइंड ब्रेक इवन, कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस फॉर 80% कैपेसिटी, इट मीन्स
This is your answer number 2 is expected sales divided into variable cost and contribution divided into your fixed cost and your profit. Okay, now 80% of 15 lakhs, this comes to rupees 12 lakhs. 12 lakhs ka 23% of 12 lakhs. 12 ka 23% is 2,76,000. Fixed cost 230. Your profit will be 46,000. Your profit will be 46,000. सही आंसर नंबर टू अपने को क्या बोल रहा है फ्रेंड्स. आंसर नंबर टू अपने को बोल रहा है कैलकुलेट हिज प्रॉफिट 80% कैपेसिटी. 80% 100% कैपेसिटी पर सेल कितना है 15 लैक्स. 15 लैक्स का 80% इज 12 लैक्स. 12 लैक्स 23% आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, पीवी रेशियो है. 23% ऑफ 12 लैक 276, फिक्स कॉस्ट 230 है, आपका कंबाइंड प्रॉफिट आ जाएगा 46,000. अब इसके बाद और एक सिचुएशन आता है कि फिक्स्ड कॉस्ट इज 1 एंड द प्रोडक्शन मोर देन 1. मतलब मेरे पास डीकेसी का ये क्लासरूम है, डीकेसी का क्लासरूम है, उसका रेंट तो फिक्स है एंड आई हैव फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल. आई वॉन्ट 2:2:1. मतलब इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 हमें क्या चाहिए, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन द रेशियो 2:2:1. सो ब्रेक इवन पॉइंट एज पर रिक्वायर्ड रेशियो. ओके, ब्रेक इवन पॉइंट एज पर रिक्वायर्ड रेशियो. राइट फ्रेंड्स. सो सपोज हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे ये ना फ्रेंड्स कि डीकेसी का है ये क्लासरूम है, उसका रेंट है और 3 प्रोडक्ट है, फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल. एंड सेल अपने को चाहिए इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 और उसमें आप फाइंड आउट करिए ब्रेक इवन पॉइंट. तो इसमें हम लोग को क्या करेंगे, पहले वाले में अपना क्या था कि कंबाइंड पीवी रेशियो, लेकिन यहाँ पे अपनी जो यूनिट्स है वो क्या आने चाहिए इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. आपके जो यूनिट्स है उनका रेशियो क्या होना चाहिए, 2:2:1 के रेशियो में आपको आना चाहिए. ठीक है, तो आप जरा देखिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11 एंड पेज नंबर 5.20. क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 5.20. एस ऑफिस सप्लाइज कॉर्पोरेशन रिटेल्स 2 प्रोडक्ट्स, राइट. एस ऑफिस सप्लाइज कॉर्पोरेशन रिटेल्स 2 प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्ड एंड डीलक्स वर्जन ऑफ डिजाइनर वॉल पॉइंट पेन. द बजटेड इनकम स्टेटमेंट इज एज अंडर. स्टैंडर्ड डीलक्स टोटल सेल्स 1,50,000, 50,000 2 लैक्स. सेल्स प्राइस अपने को 20 एंड 30. 20 स्टैंडर्ड का है, 30 डीलक्स का है. वेरिएबल कॉस्ट 14 स्टैंडर्ड का है, 18 डीलक्स का है. कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट. कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एज्यूमिंग दैट द प्लांड सेल्स मिक्स इज मेंटेन. इसका मतलब व्हाट इज द प्लांड सेल्स मिक्स, इसका मतलब स्टैंडर्ड का आप चाहते थे कि 1,50,000 यूनिट सेल हो, डीलक्स का आप चाहते थे 50,000 यूनिट सेल हो. स्टैंडर्ड का आप चाहते थे 1,50,000 हो और डीलक्स का आप चाहते थे कि 50,000 यूनिट्स आपका सेल हो. इसका मतलब इन द रेशियो ऑफ 3:1 आपका सेल होगा, 3:1. तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. ओके, तो आप जरा टॉप में लिख दीजिए कंसेप्ट, मैंने लिखा भी है ये सॉल्यूशन बुक में पेज नंबर 5.21. आप जरा देखिए 5.21 से अपना ये स्टार्ट हो रहा है, 5.21 से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है. देखिए मैंने वहां पे लिखा भी है कंसेप्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एज पर रिक्वायर्ड रेशियो. ब्रेक इवन पॉइंट एज पर रिक्वायर्ड रेशियो. ओके, देखो कौन कौन से प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड एंड डीलक्स. तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, यू फाइंड आउट द एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड पर यूनिट. आपको क्या निकालना है, पहला
एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, दिस इज योर एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कौन कौन से प्रोडक्ट है अपने पास फ्रेंड्स? स्टैंडर्ड एंड डीलक्स, स्टैंडर्ड एंड डीलक्स, सेलिंग प्राइस 20 रुपीज एंड 30 रुपीज, वेरिएबल प्राइस 14 रुपीज, 18 रुपीज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन 20 लेस 14 इज 6, 30 लेस 18 इज 12 इंटू रिक्वायर्ड रेशो 1,50,000 इज टू 50,000, इट मीन्स 3:1। रिक्वायर्ड रेशो क्या हो जाएगा? 150। ओके, सो इंटू 3:1 आपका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा इज 18 एंड 12। तो आपका एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी 18 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, 18 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स 7.5 पर यूनिट। ये आपको क्लियर हुआ मेरे फ्रेंड्स? क्या क्या आपने को दे रखा है? एक है अपना स्टैंडर्ड, एक है अपना डीलक्स, सेलिंग प्राइस 20 एंड 30, वेरिएबल प्राइस 14 एंड 18, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 6 एंड 12, रिक्वायर्ड रेशो आपका 1,50,000:53:1, 3:1, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 18 एंड 12, एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 18, 12, 3 प्लस 1, 7.5 पर यूनिट। सही है सर, आपका क्या आ जाएगा? ओके, अब ये 12 लैक्स को आपको रिकवर करना है, इट मीन्स योर ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू वीपी क्या होता है, योर वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड टू योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड योर प्रॉफिट। व्हाट इज योर प्रॉफिट? योर प्रॉफिट इज निल। व्हाट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट इज 12 लैक्स। तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा इज 12 लैक्स और एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन आपका 7.5, इट मीन्स 12 लैक्स डिवाइडेड बाई 7.5 आपको यूनिट्स आएंगे, 12 लैक्स डिवाइडेड बाई 7.5 इज 1,60,000 यूनिट्स, 1,60,000 स्टैंडर्ड एंड डीलक्स, स्टैंडर्ड एंड डीलक्स इन द रेशियो ऑफ 3:1 डिवाइडेड बाय 4:3 इज 1,20,000 ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स और 40,000 ऑफ डीलक्स यूनिट। अगर आप इतना बेचते हैं तो आपको क्या आएगा फ्रेंड्स? नो प्रॉफिट नो लॉस। जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो मैं आपको वेरीफाई करके बता सकता हूँ। पहले मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लेना है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपको कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन को जो रिक्वायर्ड रेशो उन्होंने बोला है ना, कैलकुलेट, पहला रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एज्यूमिंग दैट द प्लांट सेल्स मिक्स इज मेंटेन, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एज्यूमिंग दैट द प्लांट सेल्स मिक्स इज मेंटेन। आपका प्लांट सेल्स मिक्स का है 1,50,000:50,000, तो आपने सेलिंग प्राइस लिया उसमें से वेरिएबल प्राइस माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आएगा, रिक्वायर्ड रेशो किया, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, फिर आपका एवरेज कंट्रीब्यूशन आ गया 18:12 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, 7.5। बीईपी के लिए ये बीईपी आपका क्या होता है, इज ए वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, यहाँ फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका 0 है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, ये फिक्स कॉस्ट, ये 7.5, 7.5 से 160,
120 एंड 40, अगर चाहिए तो वेरीफाई भी कर सकते हैं. नॉट फॉर एग्जाम, दिस नॉट फॉर एग्जाम, लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर सकते हैं. इट मीन्स सेल्स स्टैंडर्ड डीलक्स, कितना स्टैंडर्ड है, 120, कितना डीलक्स है, 40,000. देन वेरिएबल कॉस्ट कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, स्टैंडर्ड एंड डीलक्स, 120,000, 40,000 इंटू 14, 18, 120 इंटू 14 इज 16,18,000, 40,000 इंटू 18 इज 16,87,20 इज 24 lakhs. सेल्स आपका 20 and 30, इट मीन्स 1,20,000 इंटू 20 इज 24 lakhs, एंड 40,000 इंटू 30 इज 36 माइनस 24 इज 12 lakhs. फिक्स कॉस्ट 12 lakhs एंड प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, जीरो. नॉट फॉर एग्जाम, दिस इज जस्ट अपना वेरिफिकेशन कि हमने जो आंसर निकाला था. ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट आपको क्या चाहिए, एच पर रिक्वायर्ड रेशियो. व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेशियो, योर रिक्वायर्ड रेशियो इज 1,50,000 इज टू 50,000. योर रिक्वायर्ड रेशियो इज 1,50,000 इज टू 50,000. रिक्वायर्ड रेशियो इज 1,50,000 इज टू 50,000. सही है सर. तो दिस विल बी योर आंसर नंबर वन. सेम प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में देना है. आंसर वन, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ऑफ ओनली स्टैंडर्ड वर्जन इज सोल्ड. अब ये फर्स्ट वाला हो गया आपका ना, बीईपी फर्स्ट वाला, वन प्रोडक्ट वन फिक्स कॉस्ट. क्या बोल रहा है, बीईपी, दिस इज योर आंसर नंबर टू. बीईपी इफ ओनली स्टैंडर्ड वर्जन इज सोल्ड, स्टैंडर्ड वर्जन, इफ ओनली स्टैंडर्ड वर्जन इज सोल्ड. इसका मतलब सेलिंग प्राइस एक ही प्रोडक्ट हो गया ना, फर्स्ट वाला बीईपी. पहला बीईपी वन प्रोडक्ट वन फिक्स कॉस्ट, वो मैंने आपको सिखाया. दूसरा बीईपी मैंने आपको सिखाया फिक्स कॉस्ट इज वन, प्रोडक्ट्स आर मोर देन वन, ओवरऑल पीवी रेशो. तीसरा ये चल रहा है एवरेज वाला, वेरिएबल प्राइस कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट. व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट, 12 lakhs, प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन 12 lakhs, सेलिंग प्राइस 20, वेरिएबल कॉस्ट 14, सो 20 माइनस 14 इज 6, इट मीन्स टोटल 6, इट मीन्स 2 lakh यूनिट्स अपने पास हो जाएंगे. बीपी के लिए अपने को कितने हो जाएंगे, 2 lakh यूनिट्स. बीपी फॉर स्टैंडर्ड इज 2 lakh यूनिट्स. अगर 2 lakh है तो अपने को नो प्रॉफिट
नो लॉस, 20 में से 40 निकल जाएगा, 6 इंटू 2 लाख, 12 लाख, 12 लाख लेस फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट आपका नहीं। अब आगे क्या बोल रहे हैं, ओनली डिलक्स वर्जन इज सोल्ड, दिस इज ओनली डिलक्स वर्जन इज सोल्ड, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल प्राइस, कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। व्हाट इज द प्रॉफिट? जीरो। व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? 12 लाख। व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन? 12 लाख। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? 30, देन 18, 30 - 18 = 12, इट मीन्स 1 लाख यूनिट्स अगर हम लोग सेल करेंगे, 30 में से 18 निकल जाएगा बच्चा 12 इंटू 1 लाख, 12 लाख, और उसमें फिक्स कॉस्ट, इट मीन्स आपका बीईपी आ जाएगा फॉर डिलक्स, बीईपी फॉर डिलक्स इक्वल टू 1 लाख यूनिट्स, कितना हो जाएगा 1 लाख यूनिट्स। सही है सोना फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सपोज 2 लाख यूनिट्स आर सोल्ड, ऑफ विच 20,000 यूनिट्स आर फ्रॉम डिलक्स क्वालिटी, कैलकुलेट द प्रॉफिट। इट्स वेरी सिंपल, दिस इज योर आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 इट मींस दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज स्टैंडर्ड डिलक्स सेल्स। कितना सेल्स अपने को बोल रहा है फ्रेंड्स, 2 लाख, इसमें से 20,000 फ्रॉम डिलक्स, 20,000 एंड 1 लाख 80,000 इंटू, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस 20, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस 30, 1 lakh 80 into 20 is 36 lakhs, 20,000 into 30 is 6 lakhs, 36 plus 6 is 42 lakhs, dividing 2, variable cost, this is combined contribution, fixed cost and profit, variable cost, standard deluxe, 1 lakh 80 and 20, what is the variable cost, 14 and 18, 1 lakh 80 into 14, 25, 20, 20,000 into 18 is 360, 25, 20, 360 is 28 lakh 80, minus 42 lakhs is 13 lakh, 20,000, this is fixed cost 12 lakhs, so the profit will be 1 lakh 20,000. What is the profit and loss? The profit is, आपने क्या किया friends बोलो, standard है, डीलक्स है, यूनिट्स है, सेलिंग प्राइस है, ये आपका सेल्स आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट स्टैंडर्ड डीलक्स, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, ये आपका कंबाइंड कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। सही है सर, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस। सपोज 2 लाख यूनिट्स आर सोल्ड, ऑफ विच 20,000 यूनिट्स आर डीलक्स क्वालिटी, कैलकुलेट द प्रॉफिट, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट
if these relationship persist in the next accounting period. Means कौन सा relationship? ये relationship means अगर आपका sales 1,80,000 to 20,000, it means 9:1 के ratio में है. 9:1, 1,80,000 to 20,000, it means ये अगर relationship है तो what is the break even point? तो वही निकालना पड़ेगा अपने को. It means average contribution per unit. Simple. तीसरे type का ये break even point आपका चल रहा है. Third type. Okay. This is standard and deluxe. Selling price per unit is 20 and 30. Variable price per unit is 14 and 18. Contribution per unit is 6 and 12 into required ratio 9:1. उसने बोला था ना 1,80,000 to 20,000. उसने बोला ना 2 lakh units are sold out of this. 2 lakh में से 20,000 deluxe, इसका मतलब 180, तो 9:1 का रेशियो हो जाएगा ना. इट मीन्स दिस इज 54, दिस इज 12. टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन इज 54 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1. 54 plus 12 divided by 10. This comes to 6.6 per unit. So, yes or no? Standard hai, deluxe hai, selling price le liya, variable cost le liya, contribution 9:1. Kyunki unhone bola ye ratio maintain karna hai. 54, 12, average contribution is 6.6. Aapka average contribution kya jayega? Bolo 6.6. It means your break-even point will be break-even point divide into your variable cost, your average contribution, fixed cost and your profit. Profit is nil, fixed cost is 12 lakhs and आपका contribution आ रहा 6.6. it means 12 lakhs divided by 6.6. this is your 12 lakhs divided by 6.6 is 1.18 and this in the ratio of standard and deluxe. In the ratio of 9:1 into 9 by 10, 163.36 divided by 9 is 1.82. ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट. से यस ऑन फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर होना बताइए आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो दिस इज द थर्ड टाइप आपका ब्रेक इवन पॉइंट चल रहा है. थर्ड टाइप का आपका ब्रेक इवन पॉइंट चल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट एच पर रिक्वायर्ड रेशियो. ब्रेक इवन पॉइंट एच पर रिक्वायर्ड रेशियो. और देखिए आप जरा ना फ्रेंड्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 5.22. क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 5.22. वीजे लिमिटेड मेक्स एंड सेल्स टू प्रोडक्ट्स. वीजे लिमिटेड मेक्स एंड सेल्स टू प्रोडक्ट्स वी एंड जे. वीजे लिमिटेड मेक्स टू प्रोडक्ट्स वी एंड जे. टू प्रोडक्ट्स वी एंड जे. द बजटेड सेलिंग प्राइस ऑफ वी इज 1800
and that of J is 2160. Variable cost associated with the producing and selling V is 900-1800. Annual fixed cost of production and selling cost is 88,000. The company has two production sales options. The V and J can be sold either in the ratio of 2V and 3J or in the ratio of 1V or 2J. What will be the optimal mix and why? Means jahan pe kam BEP aa jayega wo aapka optimal, kyunki after that you can start to earn the profit. It means average contribution per unit. Average contribution per unit. Option 1, option 2, VJ. VJ Limited makes and sells two products, V and J. The budgeted selling price of V, selling price 1800 and selling price 2160. 1800 and 2160. Variable cost is 900 and 1800. 900 and 1800. Contribution 1800 minus 900 is 900. 2160 minus 1800 is 360. 1800 minus 900 is 900. 2160 minus 1800 is 360 into required ratio. The annual fixed cost is 88. The company has two option sales. The V and J can be sold either in the ratio of 2V and 3J or in the ratio of 1V and 2J's. Total contribution will be 1800, 360 into 3, 1080, 900, 360 into 2, 720. Average contribution, Eighteen hundred plus 1080 divided by 2 plus 3, 900 plus 720 divided by 1 plus 2. It means 1800 1080 divided by 5 is 576. 900 720 divided by 3 is 540. Say yes sir. Ek aapka 576. Is this clear or not, friends? This is your average contribution per unit, option 1, option 2, V and J. Pehle wale mein bola hai 2:3 ratio, dusre mein bola hai 1:2 ratio. Aapne selling price le liya, उसमें से आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, आपको कंट्रीब्यूशन आ गया, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड रेशियो दे रखा है, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करके एवरेज कंट्रीब्यूशन निकाला. सही है सोनो फ्रेंड्स, एवरेज कंट्रीब्यूशन आपका आ गया, एवरेज कंट्रीब्यूशन 576 एंड 540. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, फर्स्ट बीपी, this is
option 1, BEP option 1. What is your fixed cost? Fixed cost is 88,000. Fixed cost is 88,000 divided by 576. 88,000 divided by 576 is 152.77, and इसको हम डिवाइड कर देंगे इन द रेशियो ऑफ 2:3 वी एंड जे इंटू 2/3 इज 101.85 इंटू 3/2 इज 152.77 into 2/5 is 61.108 or 91.662. It means 91 and 61. This is option 1. Now you go to BEP and option 2, 88,000 upon 540. It means 88,000 upon 540 is 162.96, and this in the ratio of 1:2 divided by 3, 54.32 into 2 is 108.64. यहाँ पे 162 पे BEP आ रहा है, ये तो अपना बेटर कौन सा रहेगा? ऑप्शन 1. अपना बेटर क्या रहेगा बोलो, अपना बेटर क्या रहेगा? ऑप्शन 1. बेटर क्या रहेगा अपना बोलो, ऑप्शन 1. परफेक्टली क्लियर आपका बेटर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1. सही है. सुनो, एक आपको और एक लास्ट करा देता हूं, तो आपका थर्ड टाइप ऑफ बीपी आपका कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ टाइप ऑफ बीपी हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड फोर्थ टाइप ऑफ बीपी आपका रहेगा ये स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट वाला. बहुत इंटरेस्टिंग है, May 22 में भी उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आया था May 22 में, और मैंने उसका डाला भी है वीडियो अपने दानगी कॉस्टिंग चैनल पे डाला हुआ है May 22 वाला. ओके, 13 आप जरा देख लीजिए फ्रेंड्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड पेज नंबर 5.23. क्वेश्चन नंबर 13 एंड पेज नंबर 5.23. इवन की लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ए सिंगल प्रोडक्ट एक्स हूज सेलिंग प्राइस इज 40 एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज 16. सेलिंग प्राइस 40 है, वेरिएबल कॉस्ट 16 है. इन द फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर आर 480,000, एनुअल सेल्स आर एट 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कैलकुलेट द रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल्स एज्यूमिंग एन इनकम टैक्स लेवल ऑफ 40%. बी, फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज प्रपोज टू एड अनदर प्रोडक्ट लाइन वाई हूज सेलिंग प्राइस वुड बी 50 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 10. द टोटल फिक्स कॉस्ट आर एस्टिमेटेड टू बी 666,600
The sales mix X and Y would be in the ratio of 7:3. At what level of sales next year would Evenki Limited break even? Give separately for both X and Y break even sales in rupees as well as in quantity. तो पहले अपन first part कर लेते हैं. Evenki Limited manufacture and sell a product X whose selling price is 40 and the variable cost is 16. If the fixed cost is 480,000, annual sales are 60% margin of safety. Calculate the rate of net return on sales assuming that income tax rate is 40%. इसका मतलब the formula net return ऑन सेल्स. जो लोग इंटर में मेरे एफएम में स्टूडेंट रहे उनको याद होगा ये नेट रिटर्न ऑन सेल्स. इट मीन्स योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 ये आपका आ जाएगा. अब सेल्स कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? ये आपका सेल्स एमओएस दे रखा है, इसका मतलब कौन सा चार्ट लगेगा? दिस इज योर चार्ट टू. सेल्स सेल्स इज बीपी एमओएस. बीपी इज वेरिएबल कॉस्ट. Contribution, fixed cost, profit, variable cost, contribution, fixed cost, profit before tax, tax, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सही है सर. ओके, अब अपने को क्या दे रखा? Evenki Limited मैन्युफैक्चर एंड सेल्स प्रोडक्ट एक्स हूज सेलिंग प्राइस इज 40. इट मीन्स एक्स उसका सेलिंग प्राइस है 40. एक्स का सेलिंग प्राइस 40 है. वेरिएबल प्राइस है 40, वेरिएबल प्राइस है 16, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 24, तो पीवी रेशियो हो जाएगा 24/40. सही है, सुनो. तो 24 ये आपका आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशन इज 24, तो पीवी रेशियो होगा 24/40 × 100 एंड दिस कम्स टू 60%. आपका पीवी रेशियो समझे फ्रेंड्स? एक्स प्रोडक्ट आपका क्या है? एक्स है, सेलिंग प्राइस है 40, वेरिएबल प्राइस है 16, कॉन्ट्रीब्यूशन 24 एंड दिस इज 60%. आपको निकालना है नेट रिटर्न ऑन सेल्स विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. अब आप आ जाइए वन बाय वन. अपने को क्या बोल रहा है? फिक्स कॉस्ट है ₹480,000. फिक्स कॉस्ट है ₹480,000. कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 480, विच इज 60%. इट मीन्स 480 × 100/60 आपका सेल हो जाएगा ₹8,00,000. यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो. आपको फिक्स कॉस्ट दे रखा है 480,000, प्रॉफिट इज 0. ओके, चार्ट टू लगेगा क्योंकि बीपी एंड एमओएस दे रखा है. एमओएस क्या बोल रहा है? एमओएस है आपका 60%. इसका मतलब आपका बीपी कहां पर रहेगा? 40%, क्योंकि ये हमेशा क्या रहेगा आपका? 100%. सही है, सुनो सर. बीपी 40% एंड एमओएस आपका 60%. इट मीन्स 480, ये 0,
contribution 480, which is 60%. So 480 100 by 60 is 8 lakhs. सही आंसर होगा. देन 8 लैक्स योर, ये आपका 8 लैक्स रुपीस आया, ये आपका 8 लैक्स रुपीस आ रहा है, विच इज 40%. वॉट इज 100% इज 20 लैक्स. आपका टोटल सेल्स होगा 20 लैक्स. नाउ 20 लैक्स का 60% इज 12 लैक्स. 12 लैक्स एंड 40 एंड 60% आपका ये 60% ऑफ 12 लैक्स इज 720,000. 720 फिक्स कॉस्ट निल, 720 का 40% टैक्स, 720 का 40% टैक्स 288. सो योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी 4,32,000. So 4,32,000 is your profit after tax. Your sales is 20 lakhs. It means 432 divided by 2000 into 100, and this comes to 21.6%. Aapka kya ho jayega? 21.6%. Say yes or no? 21.6% आपका हो जाएगा. सब तो सॉल्यूशन तो मैंने आपको दे ही रखा है प्रिंटेड फॉर्म में. आप जरा एंड सेकंड पार्ट अपने को बोल रहा है, दिस इज योर आंसर नंबर, दिस इज योर आंसर नंबर बी. सेकंड पार्ट अपने को बोल रहा है आंसर नंबर बी. फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज प्रपोज टू एड अनदर प्रोडक्ट लाइन वाई हूज सेलिंग प्राइस इज 50, वेरिएबल कॉस्ट इज 10, टोटल फिक्स कॉस्ट 666,600 एंड सेल्स मिक्स इन द रेशियो ऑफ 7:3. एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स नेक्स्ट ईयर वुड इवन कील लिमिटेड ब्रेक इवन. ओके, इट मींस एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक्स and Y, selling price per unit 40 and selling price per unit 50, variable price per unit 16 and variable price per unit 10. Contribution per unit will be 40 minus 16 is 24 and 50 minus 10 is 40 into required ratio. Now what is your required ratio? 7:3. Your required ratio is 7:3. Total contribution 24 into 7, 168, 40 into 3, 120. आपका average contribution is 168 plus 120 divided by 7 plus 3. It means 168, 120 divided by 10 is 28.8. सही है सर फ्रेंड्स. क्या पूछ रहा है अपने से? At what level of sales next year would even kill limited break even? तो अपने को, क्योंकि उसने रिक्वायर्ड रेशियो दिया, तो थर्ड टाइप ऑफ बीपी आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड रेशियो में. एक्स एंड वाई, एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 168, 127, सेलिंग प्राइस 40, 50, वेरिएबल प्राइस 16, 10, कंट्रीब्यूशन 24, 40, रिक्वायर्ड रेशियो 7:3, एवरेज कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा 168, 127, 28.8. सही है सुनो फ्रेंड्स. देन
आपका बीपी आ जाएगा, दिस इज योर बीपी डिवाइडेड टू योर वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कंट्रीब्यूशन, देन फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट. प्रॉफिट इज नील, फिक्स कॉस्ट इज 6,66,600, 6,66,600, एंड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी 28.8. 6,66,600 डिवाइडेड बाई 28.8, 6,66,600 डिवाइडेड बाई 28.8 इज 23,145.83, or you can say 23,146 units. Okay, so 23,146. Now X and Y in the ratio of 7:3. 23,146 into 7 by 10, 16,202 units, and into 3 divided by 7 is 23,146 divided by 10 into 3 is 6,943, or you can say 44. एंड अगर इनको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो सेल्स वैल्यू आ जाएगा, विच इज 40 एंड 50. सो 6,944 इंटू 50 इज 347,200, एंड 16,202 इंटू 40 इज 648,080. दैट इज द एंड ऑफ योर थर्ड टाइप ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट. पहला मैंने आपको बताया था एक फिक्स कॉस्ट रहेगा, एक ही प्रोडक्ट रहेगा, वन फिक्स कॉस्ट वन प्रोडक्ट रहेगा. दूसरा मैंने आपको बताया वन फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट्स आर मोर देन वन. डीकेसी का एक को एग्जाम्पल दिया था कि मेरा क्लासरूम एक ही रहेगा, उसका रेंट एक रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट फाउंडेशन इंटर फाइनल रहेंगे तीन. ओवरऑल पीवी रेशियो वाला रहेगा. थर्ड मैंने आपको बताया कि एक मेरा क्लासरूम है लेकिन मेरे पास तीन प्रोडक्ट है, फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल, एंड आई वांट अ सेल इन द रेशियो ऑफ 2:1 गेट. चौथा अब मैं आपको कराऊंगा एंड दैट इज योर स्पेसिफिक कॉस्ट. ओके, स्पेसिफिक कॉस्ट वाला मैं आपको, सो फोर टाइप्स ऑफ आपके ब्रेक इवन पॉइंट में आपको कवर कर दूंगा. ठीक है.